माँ की ममता इससे ही पता चलता है। जो बेटा अपने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है, उस बेटे के लिए माँ निर्जला व्रत रख रही है। पूरा मामला है जिले के शहरा वृद्धाश्रम की। दरअसल वृद्धाश्रम में मौजूद माँ अपने बेटे के लिए जुतिया का व्रत रखी है। इस वृद्धाश्रम में करीब 32 महिलाएं हैं, जिसमें 8 महिलाएं व्रत की है। इन सभी को सभी चीजों का इंतजाम भी कर दिया गया है। वहीं जब वृद्धाश्रम में रहने वाली महिला द्रौपदी देवी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि माँ के लिए बेटा ही सब कुछ है। अब बेटा इस चीज को नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जब तक जिंदा हूँ उसके प्रति ममता कम नहीं हो सकती है। इसलिए उसके लिए व्रत करती हूँ ताकि वो दीर्घायु हो, धन संपदा भरी रहे। जब उनसे पूछा गया कि घर की याद आती है, तो उन्होंने बताया कि याद तो आती ही है, घर तो सबको याद आती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति है तो क्या कर सकते हैं। कभी कभी गांव जाती हूँ तो मंदिर में समय व्यतीत करती हूँ। वहीं जब व्रती खोखो देवी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि बेटा के लिए ये व्रत करती हूँ, उसको दिल की बीमारी भी है। मैं जितमोहन बाबा से कहती हूँ कि वह ठीक हो जाए, बेटा का कोई दोष नहीं है, मुझे एक ही बेटा है, लेकिन मेरा पोता व उसकी पत्नी नहीं रहने देती है। मेरा बेटा तो हीरा है, 3 माह पहले भी मैं घर गई तो मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया गया, परिस्थिति यहाँ लाया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब मन लगे या ना लगे, अब तो घर इसी को समझना है, यहाँ भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। व्रत तो करेंगे ही, जब तक सांस है बेटा तो बेटा होता है। दादी कहाँ से आई हुई है और कहाँ रह रही है अभी? लगोछिया तेतरी। कहाँ रह रही है अभी? एखन तो वृद्धाश्रम में है। क्या मजबूरी ऐसी आ गई है? क्या ऐसी मजबूरी आ गई यहाँ रहने की? या नहीं पूरा क्यों यहाँ रहने लगे? यहाँ रहने का वजह क्या है? हाँ जता है, घर जता है, दुर्गाश्रम में रहते हैं। यहाँ क्यों रह रहे हैं? यहाँ क्यों रह रहे हैं? यहाँ कहा थे कि हमको नहीं पूरा कुछ हाथ में नहीं आता, दिक्कत हुआ तो चले जाओ। आज क्या की हुई है आप? आज क्या की है? आज जितिया का। जितिया की है? जितिया करा। किसके लिए किए हुए? जितिया जितिया करा बेटा ला। आप नहीं है बेटा? अच्छा। सब बेटा करा, पोता ला करा, सुखी संपत्ति रहो, बचो। मतलब आपके लिए इतना कष्ट और नहीं, हमको दुखिया है तो हम दुखिया रहो। अब आप सुख करी के कहाँ जाओ, हम दुखिये में रहो। बेटा बचो, बेटा पोता बचो, बेटा सुखी संपत्ति से रहो, खूब आराम करो, खूब राम राज करो। मतलब उनके लिए आप ये व्रत? लेकिन हमको नहीं पूछा, हम तो हम बोलो कि बेटा पट जाओ, नस लग जाओ। नहीं 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 नहीं, क्या नाम? माँ है, माँ है, माँ नहीं बोला ना, बेटा बोला, माँ नहीं बोला, बेटा बोला, बेटा कलेजी निकाल कर दे दिया, लेकिन कलेजी बोला कि बेटा चोट लगा, माँ ऐसा है, बेटा नहीं बोलो, माँ कखनो न कहो कि बेटा तू नस लगी दे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम हमको है द्रौपति। दादी कहाँ से आप आई है और कहाँ रह रही है? बोलो जोर से। महेशपुरा से। अभी कहाँ रह रही है? 3 महीना हो महेशपुरा से अलो बेटा देख, जब बेटा हमारा लकवा मारना छो, हाट रोक छो, कुछ नहीं चल दे पुतवा मरबे ना छो, पोता से पुतवो मार ली छो। अभी अभी आप कहाँ रह रही है? अखनी अखनी तो नहीं रह छो, आश्रम में। सीधा चलो अलियो, बल्कि कोई पहुँचा कोई नहीं पहुँचे, नहीं पूछ गया कितना नंगा चटे। आप अपने से यहाँ आई? हाँ नहीं छो। अच्छा आज क्या की हुई आप? आए? आज क्या की बोलो ना, पर आज ना पर हम नहीं जाऊं बड़े जगह दिखने से नहीं थे, वो आई नहीं थे, वो राती नहीं थे, वो काल ले मतलब जीतिया पर्व की। हां छोड़ी देबे के ना, बेटा रे गलती नहीं छ, बेटा का गलती नहीं। नहीं नहीं एको सेकंड नहीं। अच्छा ये जीतिया पर्व कितना करा, टेंशन हो नहीं दो, कितना कठिन व्रत है? कठिन हो जे व्रत की करबे? अच्छा जो एक दिन तक घाट जा हिल नहीं छ, मतलब बेटा का नहीं छोड़े, बेटा का कोई गलती नहीं छे, बेटा का जखनी की बाल बच्चा कहे छे पूरा पुतवन बेटा का 3 हक्का कुम्हार बच्चा को पर से मट्टी ओनी कर झड़बे न छे, सुइया ने न छे, बेटा को छोड़ी देबे केना का? बेटा को नहीं छोड़ सकते? नहीं बेटा को नहीं छोड़बे, मारी दे की काटी दे, बेटा को नहीं छोड़बे उन्हीं के लिए ये चीज। हां क्या नाम हुआ आपका? एक केटा नहीं बेटा का नाम ना खोखो देवी, बेटा नाम पंचानंद।
सुपरिंटेंडेंट है भागलपुर सहारा वृद्धाश्रम का। तो इसमें जितिया पर्व जो है बच्चे के लिए किया जाता है, तो इसमें कल जो था दोपहर को 1 बजे जो चावल खाया गया है उसके बाद से कोई कुछ नहीं खाएगा, और वो जो दोपहर को चावल खाया गया उसके साथ 4-5 किस्म का सब्जी बना था और एक पकौड़ा बना था, तो उसके बाद से कुछ नहीं खाएगा, पानी तक भी नहीं पिएगा, और आज पूरा दिन भर पानी नहीं पिएगा। कल जो है नहा के पूजा करके डलिया लेके पूजा करेगा, उसके बाद वो पानी भी पिएगा सब कुछ, और ये बिना पानी का रहना पड़ता है, इसलिए बहुत कठिन व्रत होता है।